रुक करते हैं भिवंडी के धामनकर नाके क्षेत्र की ओर, जहां सोमानगर माधवनगर में पिछले दो दिनों से विशेष तौर पर वार्ड के नागरिकों के साथ में आसपास के क्षेत्र के लोगों को इस कैंप में आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, साथ ही साथ वैक्सीन, श्रम कार्ड, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार की जो स्कीमें जनता तक पहुंचानी चाहिए उस जनता को पहुंचाने का कार्य समाज सेवक व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी सर जिला उपाध्यक्ष जुबेर अंसारी द्वारा किया गया, जहां आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में आसपास के क्षेत्र के लोग इस कैंप में भाग लेते हुए दिखाई दिए। जुबेर अंसारी कई सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम आपको बता दें कि गत दिनों पहले उन्होंने भिवंडी शहर की आंगनवाड़ी को लेकर एक मुद्दा उठाया था और आंगनवाड़ी के जो संबंधित अधिकारी थे उनसे मुलाकात की थी। और आपको बता दें कि भिवंडी शहर में आंगनवाड़ियों में भी सुधार लाने का कार्य किया गया, वहीं इस कार्य की प्रशंसा की गई पूरे शहर में। वो बता दें कि समाज सेवक हुजैब अंसारी और एडवोकेट सरफराज अंसारी ने विशेष तौर पर जुबेर अंसारी को शुभकामनाएं दी इस कार्य को लेकर। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस कैंप को सफल बनाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर के उपाध्यक्ष जुबेर अंसारी के साथ में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाले उनके सभी सहयोगियों ने इस कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और लगभग आपको बता दें कि आसपास के क्षेत्र के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जो स्कीमें हैं वो पहुंचाने का कार्य किया। हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान मान्यवरों ने क्या कहा ये सुनते हैं। जुबेर भाई ने आज हमारे इस एरिया में माधव नगर एरिया में दामन नाका में जो एरिया है अंजुमन के बाद वहाँ पे कैंप रखा है, जो ये इसमें मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है। RTI का जो स्कूल का है उसका कैंप है, राशन कार्ड है, मुफ्त जीरो बैलेंस अकाउंट खोला जा रहा है और ईश्रम कार्ड बनाया जा रहा है और साथ ही में इलेक्शन में जो वोटर ID है वो कार्ड भी और उसमें करेक्शन जो है वो भी किया जा रहा है। तो ये कैंप जो हाल ही में लगाया है जुबेर भाई ने, बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने। और कुछ महीनों पहले भी इन्होंने ये कैंप ऐसा लगवाया था इसी एरिया में और फिर अभी 3 महीने बाद ये फिर आज लगवाया इन्होंने कैंप, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक पहल जो इन्होंने की है इस एरिया में। मैं चाहूँगा कि भिवंडी के हर एरिया में, हर वार्ड में ऐसा कैंप लगना चाहिए ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और रही बात जुबेर भाई की, तो जुबेर भाई एक बहुत अच्छे समाज सेवक है और ये पब्लिक के लिए हमेशा आगे बढ़ के आते हैं, चाहे वो मेडिकल कैंप हो कि कोई और भी उनके निजी काम हो, या हमेशा आधी रात को ही फ़ोन करो तो ये लोगों की सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं। जहाँ तक मैं जुबेर अंसारी साहब को जानता हूँ, 5-6 सालों से इन्होंने हमारे इस वार्ड के समाज सेवक के रूप में बहुत अच्छे समाज सेवा की है। लोगों की जो जिस तरह से इन्होंने 5-6 सालों में समाज सेवा की है वो जो काफ़ी तारीफ़ के काबिल है। और इस मरतबा इन्होंने ये जो कैंप लगाया है यहाँ पे कोवैक्सीन कोविशील्ड के लिए, वो भी एक उनका अच्छा कदम है समाज सेवा में। और यहाँ पे समानगर माधवनगर के आंगनवाड़ी के लिए 6 साल से छोटे बच्चों के लिए जो फ्री एडमिशन और RTE 25% राइट टू एजुकेशन में जो इन्होंने आंगनवाड़ी में बच्चों के एडमिशन के लिए जो इन्होंने काम कर रहे हैं इस वक्त, ये भी काफ़ी जो है काबिल तारीफ़ है। तो मैं सभी लोगों की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले तो पूरे भिवंडी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो कैंप लगाया था खाली मेरे वार्ड का नहीं था, ये पूरे भिवंडी के लोगों के लिए था। और राशन कार्ड फ्री, इसलिए कि राशन कार्ड में ऑफिस में मैं देखा लोग बहुत चक्कर काटते रहते और दुनिया का पैसा खर्चा करके, तो मैंने इसलिए ज़्यादा उसको दबाव डाल के राशन कार्ड का कैंप लगवाया। और कल कम से कम 200 से 250 लोग ने राशन कार्ड का फॉर्म भरे और फ्री वैक्सीन 3 महीना पहले मैंने लगाया था तो कम से कम उधर 1500 लोग ने वैक्सीन लिया था। अब उनका दूसरा डोज का टाइम आ गया था तो वो मैं बोला अब इधर उधर लोग जाएंगे तो क्यों ना अपने उधर ही जा, पहले मैं लगाया था तो दूसरा भी किया। और तीसरा फ्री एडमिशन जो RTI के द्वारा रहता है वो भी, कोई पैसा नहीं कुछ उसमें ना, इनकम प्रूफ भी पहले नहीं बनाना था, सिर्फ जन्म पत्री पे वो फॉर्म भरना था। और तीसरा ई श्रम कार्ड, जीरो बैलेंस अकाउंट, ये सब, और कोई भी आवे करवाए। और आंगनवाड़ी जो पूरे भिवंडी का मसला था इसके पहले हमने उठाया था और वो चल रहा था। और जो अब मेरे एरिया में जो माधव सोमनगर में आंगनवाड़ी उसकी एंट्री इधर होगी तो वो भी एक काउंटर लगा था आंगनवाड़ी में एंट्री करने का। और वैसे भी जो पहले 2 आंगनवाड़ी थी हमारे एरिया में, अब कम से कम उन लोगों ने सर्वे किए हैं तो बोल रहे हैं हाँ आपके एरिया में 10,000 तक का लोकसंख्या है
तो कम से कम 10 आंगनवाड़ी खुल सकती है। तो मेरा सोचना सिर्फ यही है कि मेरे वजह से अगर किसी का कुछ फ़ायदा होता है तो बस इतना ही मेरा सोचना है, और इंशाल्लाह मैं यही सोचते रहूँगा। और जो भी लोगों को चाहिए आगे भी मैं वही कैंप लगाते रहूँगा, लोगों की मदद करते रहूँगा। इस खबर के प्रायोजक है दस्तरखान रेस्टोरेंट। भिवंडी में पहली बार कुछ नए अंदाज के साथ दस्तरखान रेस्टोरेंट अपने बेहतरीन और स्वादिष्ट खानों के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही साथ बेहतरीन सर्विस, ओपन एनवायरनमेंट और ओपन किचन के लिए भी मशहूर है। लोग यहाँ दूर दराज से लजीज खाने के लिए आते हैं, तो इंतजार किस बात का, आप भी आए और दस्तरखान रेस्टोरेंट का लुत्फ उठाएं। एड्रेस भिनार ऑक्ट्रॉय नाका नासिक रोड भिवंडी।